दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे पीलिया के मरीजों के लिए पोहा, यानी जिसमें हल्दी और तेल का एक भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह हमने प्याज अदरक और हमने इसमें प्याज अदरक धनिया और टमाटर और हरी मिर्च बारीक काट लिया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा दी है। अभी हम इसमें आप कैसे भुनेंगे ये सारा आपको बताएंगे। इधर देखिए, ये बन रहा है पोहा के लिए फ्राई कर रहे हैं अपन। ठीक, अगर आप बिना ऑयल का पोहा बनाना चाहते हैं तो हल्का सा इसमें पानी डालिए। सावल ऑयल, क्या गजब की, देखिए फ्राई हो रहा है। नहीं, हल्का सा और चलाते रहिए। ये बिना जो है तेल और बिना उसका ये पोहा बन जाएगा बढ़िया। अब मैं दिखाऊंगा कि इसमें, इसके बाद हमें इसमें पोहा डालना है। अभी ये थोड़ा सा और तेज करके, हमने देखिए पोहा डाल दिया इसमें, चला दिया इसको। इसमें हमने हल्दी नहीं डाला है, यानी ये बिना हल्दी का है। आंच को धीमा कर देते हैं जिससे ये जले नहीं, और ऐसा चल रहा है, कढ़ाई भी हिल जा रही है। वीडियो बंद करूं मैं, फिर इसमें चलाऊं। देखिए ये है बढ़िया पोहा, मस्त। बस इसमें ये सारे आइटम आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। पीलिया के मरीजों के लिए ये तला हुआ वो है, सेवई से नहीं डालना है। बाकी ये सारी चीज़ें डाल लेंगे, बढ़िया पोहा बन जाएगा आपका तैयार। खाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये पोहा कैसा लगा, जो बिना तेल और बिना हल्दी का है। अगर फीडबैक जैसा होगा वैसा ही आगे हम इसको और लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। ये देखिए, बिना तेल और बिना हल्दी का बढ़िया पोहा, इसे चारू खाएगा। पीलिया वाले मरीजों के लिए इसमें हमने नमकीन नहीं डाला है, इसलिए क्योंकि उसमें ऑयल और वो होता है, हल्दी होता है। बाकी देखिए, ऐसे करके फोटो लेनी चाहिए।